नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ फिर से अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मुसाफिर अमित। बेहतरीन एक जगह झालावाड़ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर, 30 भी नहीं होगा मुझे लगता है, 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर होगा, जूनाखेड़ा एक पंचायत है। रिसेंटली वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी बनकर तैयार हुआ है, झालावाड़ फिर कोटा, कोटा से पाटन होते हुए वो लाइन जारी है। तो वहीं पर शानदार एक दर्शनीय स्थल है, पिकनिक स्पॉट भी है, जिसका नाम है मोड़ी की झर। जी हाँ, तो यहाँ मैं आया हूँ काफ़ी लंबे समय के बाद, कई सालों बाद मैं यहाँ आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, आज दिन भर बारिश हो रही है, सुबह से लेकर अभी तक लगभग शाम को 4 बज चुके हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। और पीछे आप देख सकते हैं मेरे, गज़ब का यहाँ पर पानी बह रहा है। हम नहाकर आ चुके हैं ऑलरेडी, और पीछे की तरफ यानी कि ऊंचाई पर वहाँ पर, चलिए बातें बहुत हो चुकी है फ्रंट कैमरे से, अब मैं आपको रियर कैमरे से यहाँ की जो भी खूबसूरती है वो कैप्चर करके दिखाऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो इट्स नाउ इट्स टाइम टू गो विद रियर कैमरा, लेट्स सी। जी हाँ, तो ये देखिए आप, सबसे पहले तो आप इस जगह को देखिए, गजब की ये जगह है। मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी नहाकर आ चुका हूँ और पानी का बहाव बहुत तेज है। देखें आप, चारों तरफ गजब की हरियाली है, पूरा हरा भरा क्षेत्र है, और आज पूरा दिन भर हो गया बारिश को। और इधर देखें आप, ये पानी यहाँ आगे बहता हुआ जा रहा है। मोड़ी की झर इस जगह का नाम है। जंगलों से घिरा हुआ, मतलब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, और ये काली चट्टानें आप देख सकते हैं, पूरे इलाके में यही आपको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे जहाँ ये झरना आ रहा है, बहुत तेज़ हो चुका है। जब हम आए थे इतना तेज़ नहीं था, यानी कि आप मान सकते हैं 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज़ इसका बहाव अब हो चुका है। तो पीछे हम नहाने गए थे, काफ़ी सारे लोग थे, स्टाफ के साथ हम आए थे, और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। ज़बरदस्त एन्जॉयमेंट के बाद हम आए सीधा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, और ये मंदिर, इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है। आप कभी भी आइए, यहाँ पर दर्शन करेंगे, सुकून मिलेगा, एक ठंडाई हमेशा रहेगी। देखिए बाकी बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। तो ये है मुख्य मंदिर भगवान शिव का, नंदी जी भी यहाँ पर विराजमान है। 2 बार मैंने यहाँ जल चढ़ा चुका हूँ, एक बार नहाने से पहले और नहाने के बाद। और जो भी लोग आते हैं, यहीं बगल में एक कुंड है, वहीं से पानी भर के और जल चढ़ाते हैं। जब भी आप यहाँ आए, जल चढ़ाना ना भूलें। और आज देखिए, संयोग से सोमवार भी है। ये अलग बात है कि सावन ख़त्म हो चुका है, लेकिन सोमवार की बात अलग है। ये देखिए, जिस कुंड की मैं बात कर रहा था, ये है वो कुंड। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ ये पानी कभी भी खाली नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हाँ पंडित जी, चलिए धन्यवाद आपका जो आप मिले। पंडित जी, मैं झालावाड़ से आया हूँ। हाँ, और हम पूरा स्टाफ के साथ यहाँ आए हैं। तो कुछ बताइए इस जगह के बारे में। ये जगह, मैं 69 साल का हूँ। 69 साल की, 70 साल लगेगा मुझे। हाँ, मैंने थोड़ा हम पीछे आ जाएं, क्योंकि बारिश हो रही है। आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि यहाँ पानी की कमी आई। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इधर आ जाएं हम, और ताकि मैं आपसे और बात कर पाऊंगा। जी हाँ, इधर इधर बड़ा अच्छा होगा, हमारे दर्शकों को काफी सारी जानकारी। उम्र के हिसाब से 69-70 साल का होने को हूँ। हाँ जी, आज तक मैं शुरू से यहाँ जुड़ रहा हूँ जी, और आज तक मैंने नहीं देखा कि इस कुंड में पानी की कमी हुई। कितने कार्यक्रम होते हैं, विवाह सम्मेलन भी होते हैं, क्या बात है, तब भी ये पानी खत्म नहीं होता। 51 जोड़े परंतु फिर भी यहाँ पानी की कमी नहीं है। कमी नहीं है साहब, और गर्मी, जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे यहाँ पानी बढ़ता जाता है। अरे वाह, ऑटोमेटिक पानी बढ़ता है। तो ये तो ईश्वरी कृपा है। ईश्वर की कृपा है सर, भगवान की कृपा है। अच्छा, तो आप कब से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं? मेरा गांव यहाँ पासी बड़ोदिया गांव है। अच्छा अच्छा, और मैं फोन नंबर है या अभिषेक वगैरह के लिए बुला लेते हैं मेरे। अच्छा अच्छा, तो मैं आ जाता हूँ। अच्छा, चलिए धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए पंडित जी। राधेश्याम शर्मा बड़ोदिया, राधेश्याम शर्मा बड़ोदिया गांव है जी। बड़ोदिया गांव, ये इकलेरा रोड पे। हाँ, इकलेरा रोड जी। यहाँ से ये ट्रेन का ये रास्ता है ना, यहाँ से 4 किलोमीटर है मेरा गांव। अच्छा, तो सीधे ही निकल के आ जाते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमसे बातचीत करने के लिए। बात है साहब, तो देखा आपने कि यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने बताया, उनकी एज 69-70 साल हो चुकी है, लेकिन इतने सालों
में उन्होंने कभी भी इस पानी को खत्म होते हुए नहीं देखा। और कितनी विचित्र बात है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इसका पानी भी बढ़ता जाता है। तो ये अपने आप में विचित्र बात है और मैं तो इसको भगवान की कृपा मानूंगा। और जब आप भोलेनाथ के दरबार पर आते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो नंदी जी विराजमान है यहाँ पर और भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग भी है यहाँ पर। और फिर से तेज बारिश हो चुकी है तो ज़बरदस्त यहाँ पर पानी की आवक बनी हुई है। आज पूरा दिन भर हो गया है पानी को आए हुए। तो आप देखें ये पानी भी ज़बरदस्त यहाँ पर बरस रहा है। तो फैमिली के साथ आइए, परिवार के साथ आइए। इस जगह पर आप किसी भी मौसम में आ सकते हैं, लेकिन मॉनसून में आएंगे, बारिश के सीज़न में आएंगे तो उसका जो आनंद है वो अलग ही होगा। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी किसी जगह पर। वैसे ऊपर हनुमान जी और माता जी का एक मंदिर भी है और भैरूनाथ का भी मंदिर है, लेकिन बारिश बहुत तेज है, शायद हम जा नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लगे हाथ एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, इधर या बैक साइड में आपको जो शेड्स नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर आप खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि रसोई घर है ये। जब भी कोई यहाँ पर लोग आते हैं ग्रुप के साथ, दाल बाटी का प्रोग्राम हो, पूरी सब्जी का प्रोग्राम हो, जो भी आपको पसंद हो। मुझे तो भाई दाल बाटी का भी पसंद है और यहाँ पर मेरे स्टाफ वाले और हम लोग सब उसको एंजॉय करेंगे थोड़ी देर बाद। चलिए ये लोग भी कुछ आए हुए हैं, कहाँ के हैं आप लोग? बाहर के या इधर आसपास के ही हैं? बाहर कितना बाहर? मतलब इकलेरा के? इकलेरा तो आसपास की जगह है यार, रटलाई के पास के। तो यहाँ पहले आ चुके हो आप? रोज आते हो आप? अच्छा लगता है यहाँ पर आकर? झरने में नहाने का जो मजा है वो अलग ही है। अच्छा, कभी कोई दुर्घटना या हादसा वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ पर कभी? चलो ये बड़ी अच्छी बात है। चलिए काफ़ी अच्छा लगा। चलो मैं कुछ मेरे स्टाफ मेंबर से भी बात कर लेता हूँ। अलका मैम और मनीषा मैम दोनों यहाँ पर मौजूद हैं, दो ही लोग मुझे यहाँ दिखाई दिए। फिलहाल सर इधर उधर जा रहे हैं, कैसा लगा? सबसे पहले आपसे बात करना। अच्छा लगा, मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ। बहुत बार आ चुकी हो, क्या बात है। हर बार फैमिली के साथ आती हूँ, एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। एक बार मैंने और नहाने का मजा लिया कि नहीं? हर बार लेते हैं, हर बार। और इस बार फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मजा आया। अच्छा, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा मजा आया। चलिए मनीषा मैम आप तो पहली बार आए होंगे मुझे लगता है। बिल्कुल, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आपको पूजा करने के लिए भी मिल रहा है और एंजॉय करने के लिए मिल रहा है, दोनों चीजें। तो बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर हो गया है यहाँ पर, पूरा पैसा वसूल, पूरा पैसा वसूल। कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे किसी को इस जगह के लिए? बिल्कुल, झालावाड़ के आसपास के सभी लोगों को यहाँ तो आना ही चाहिए। यहाँ आना ही चाहिए, डेफिनेटली, वंस इन ए लाइफटाइम। तो मस्ट विजिट ये जगह है। तो थैंक यू सो मच मनीषा मैम, अलका मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखा आपने, जो भी यहाँ आता है ये जगह अपनी मन मोह लेती है एक तरह से। चलिए तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम। नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये जगह। पानी बहुत था, नहीं तो झरने वाली जगह भी मैं आपको दिखाता। खैर कोई बात नहीं, किसी नेक्स्ट टाइम अगर मौका मिला तो ज़रूर हम उसको कैप्चर करेंगे। चलिए तो 15 अगस्त का दिन है, मज़ा आ गया। मंडे हमारा संडे से भी ज़्यादा बेहतर गुजरा आज। भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए और एंजॉयमेंट किया सो अलग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं अमित मिलूंगा किसी और खूबसूरत वीडियो के साथ ऐसे ही किसी शानदार लोकेशन पर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान भोलेनाथ के गुण गाते रहिए। जय भोलेनाथ।